मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराने के बाद प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बरकरार रखी है। मुंबई के लिए ईशान किशन ने धाकड़ बल्लेबाजी की और नावाद 50 रन जड़ी। टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के खेल से खुश हैं। उन्होंने ईशान किशन के लिए कुछ अहम बातें कही हैं और आगे को लेकर भी एकजुट होने की बात कही है। रोहित शर्मा ने कहा है कि हमें यहाँ आकर जो करना था वह करना था। हमारे लिए दो पॉइंट्स अहम थे। एक बार हमने जब उनको 90 रन पर रोक दिया तो इसे जल्दी खत्म करने का मौका था। गेम को सीज करना अहम है। मैदान पर जाकर हमें खुलकर बल्लेबाजी करते हुए रन रेट को ऑर्डर में लाने का मौका था। किशन कुछ मैचों के बाद खेल रहा है और वह सही खेला। जोखिम लेने के लिए वहां मैं था। हम किशन की क्षमता जानते हैं। ईशान किशन को लेकर रोहित शर्मा ने यह भी कहा है कि हम चाहते थे कि वह कुछ समय बिताए और ठीक यही उन्होंने किया। रोहित शर्मा ने यह भी कहा है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे थे जहां हम चाहते थे। हमारे लिए बस आगे बढ़ना महत्वपूर्ण था कि वास्तव में सभी लोग जा रहे हैं। अब आप रडार के नीचे होते हैं तो कभी कभी एक महत्वपूर्ण होता है कि आप मैदान पर जाएं और काम को अच्छे और शांत तरीके से करें। हम इस सीजन में ऑन ऑफ रहे हैं। हम तैयारी अच्छी तरह कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज का उदाहरण बेहतरीन रहा। गेंदबाजों ने परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल किया और फिर बल्लेबाजों ने मैच खत्म कर दिया। टूर्नामेंट में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। केकेआर हमसे पहले खेलेगी, इसलिए हमें पता लग जाएगा कि क्या करना है। गौरतलब है कि पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम महज 90 रनों पर सिमट गई। नाथन कूल्टन नाइल ने 4 विकेट हासिल किए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 9वें ओवर में मैच समाप्त कर दिया। ईशान किशन ने नाबाद 50 रन बनाए। कूल्टन नाइल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।